रहे हैं, ये चांद सितारे सब एक दूसरे से कर्ज ले लेकर पल रहे हैं, चल रहे हैं, मर रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जबान पे हम्द सना उसी की है जो सबसे बड़ा है। वो है ना सबसे बड़ा, इसको मान लें तो सब हल निकल आएंगे। और वो जो कह रहा है ना कि दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे करीब रहने में है और दवा है, उस दवा का नाम जानते हैं क्या है? उस दवा का नाम है प्यार, इश्क और मोहब्बत। टूट के एक दूसरे के कद्र कीजिए, प्यार कीजिए, एहसास कीजिए, तो आप रब के बहुत करीब हो जाएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। आज के इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने अपनी इस रात का आगाज किया है, जो हम हर रात इन्हीं बिखरे हुए मेरे वजूद की तरह बिखरे हुए लफ्जों से करते हैं। समेटने वाले आप हैं अच्छी तरह। आज की रात भी आप लोगों के लिए खास चीज के जुमा है। हम रेगुलर जो ट्रांसमिशन है वो तो हम मंडे से प्यार इश्क मोहब्बत की शुरू करेंगे। कल चूंकि हफ्ता है, मिलन भी आप देखेंगे, वो भी नॉर्मल जैसे रूटीन में होता है। लेकिन आज आप लोगों के लिए खास चीज ये है कि आज भी प्रोग्राम में गीत और गजल शामिल नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉल्स, आपके सवाल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिरकत का मौका दिया जाएगा। जो उनको शिकायत होती है कि जी ना, ओ फिर ज्यादा बात हो सकती है, ना मॉर्निंग शो में हो सकती है, तो इस शो में आपको हम मौका देते हैं। बिना वक्त जाया किए हम चलते हैं और देखते हैं आज की हमारी बेशुमार दस्तकें जो हमारे इंतजार में है, क्या कहती है। कौन है सबसे पहले? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी, आप फरमाइए, आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी पूछिए। उसका नाम ए से आता है। अच्छा जी, और आपका नाम किससे आता है? यहाँ बच्चों, यहाँ इसलिए हम आपको बुलाते हैं, क्या आपको याद रहे कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो आपके बहुत करीब है। भाग रहे हैं किससे? अपने आप से। क्यों भाग रहे हैं? किसी चीज की ख्वाहिश है ना, वही बीमारी जो शुरू में बोली मैंने, वही आप भी बीमार हैं, इलाज की जरूरत है आपको। चीजों की ख्वाहिश तो कभी खत्म नहीं हो सकती। दवा लीजिए ना, प्यार की, इश्क की और मोहब्बत की। ऊपर निगाह कीजिएगा, भिखारी बन जाइएगा। ये दुनियावी खेल तमाशे तो सारे, इसके अखराजात तो वो पूरे कर ही देगा, लेकिन जब वो आपकी तरफ निगाह करेगा और पूछेगा कि अब मेरे लिए क्या है तेरे पास, तब अपनी आंखों को शर्म से झुकाइएगा मत। हम ये चाहते हैं कि आपकी निगाहें फिर भी उठें और कहें कि ये है हमारे पास। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।